हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो ये देखिए, दूसरा वीडियो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे नाश्ते के लिए पराठे बना रहे थे। तो पराठे बनाने से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पराठे बन चुके थे, सब लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। यहाँ पे होने लगी है लंच की तैयारी। तो देखिए, ये टमाटर काट लेंगे हम, क्योंकि हमें लंच भी तैयार करना है, क्योंकि बच्चों के पापा ने नाश्ता नहीं किया है, इसलिए उनको लंच जल्दी बना के देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने छोले उबाल लिए थे और आलू भी उबाल लिए, तो उबल चुके, अब इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी, तो साथ के साथ दही भी मैं देख रही थी कि ज़्यादा खट्टा दही तो नहीं है, क्योंकि मुझे दही का बनाना है रायता। और मैंने सब्जी पकाने के लिए सारा सामान इकट्ठा रख लिया है, क्योंकि बार बार परेशान नहीं होना पड़ता है उठाने में, फिर मैं इकट्ठा जमा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सब्जी बघार चुकी हूँ मैं, और ये देखिए आलू डालना बाकी है। तो ये आलू और छोले में डाल दूँगी इसमें, और एक टमाटर मैंने एक काट के रखा था, तीन टमाटर की प्योरी बनाई थी, ये वाला टमाटर काट के रखा था, तो ऐसे मतलब काट के डाल दिया मैंने। अब इसमें पानी डाल दूँगी अपने हिसाब से। तो ये देखिए, सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी चुकी है हमारी। और ढक के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं गार्डन में आ गई थी धनिया तोड़ने के लिए, क्योंकि धनिया पत्ता चाहिए था मुझे, तो मैंने सोचा चलिए फ्रेश गार्डन में से तोड़ के लाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तोड़ने के लिए आ गई थी, तो देखिए मैंने धनिया पत्ता तोड़ लिए है। अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, धनिया पत्ता साफ करने लगी हूँ मैं, क्योंकि मैं जड़ से उखाड़ के लाई उनको, तो मैंने सोचा चलिए अंदर साफ़ कर लेंगे इनको। तो देखिए साफ़ कर लिए हैं, अब अच्छे से धो लेंगे और यहाँ पर काट लेंगे। और देखिए, मैं साथ ही साथ सैलेड के लिए भी ककड़ी और मूली काट रही हूँ, कि जल्दी तैयार कर दूँगी। तो देखिए, ये मैं छील रही थी दोनों को, तो देखिए जल्दी काट कर रख देंगे, क्योंकि रोटियाँ बनाते हैं तो सब खाना लगाने में आसानी हो जाती है, तो थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है इसी में मैं सैलेड काट लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सैलेड हमारी कट भी चकी, यहाँ पे देखिए सैलेड भी कट गई। तो अब यहाँ पे धनिया पत्ती भी काट लेंगे। देखिए, अब चलिए सब्जी में धनिया पत्ती भी डालते हैं। तो ये देखिए, हमने धनिया डाल दी है, सब्जी को एक साइड में रखेंगे। अब जो गैस गंदी हो जाती है ना, तो मैं इसको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने साफ़ कर दी है, अब बनाएंगे रोटियाँ फटाफट। तो यहाँ पे देखिए, आटा लगा ही रखा था पहले से, क्योंकि नाश्ते के लिए लगाया था मैंने, तो वही आटा हो गया था। तो देखिए यहाँ पे सब्जी पर रख दूँगी थाली में, ताकि हमारी सब्जी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे थाली भी लगा दूँगी साथ की साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रायता रख दिया है, और जो पराठे बने थे तो मैंने दो पराठे भी रख दिए, कि जब आप लोग जब तक पराठे खाओ तब तक मैं रोटियाँ भी बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं पापड़ भी सेक दूँगी। तो ये बेटी आ गई लेने के लिए, कि मैं ले जा रही मम्मी, तो बिट्टू रानी ले गई थी, आप लोग आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो यहाँ पर अब रोटी बनाऊँगी, आइए आप लोग भी गरम गरम रोटी खाइएगा। देखिए गरम गरम रोटी बन रही हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए ये रोटियाँ बन रही हैं, देखिए कितने अच्छे से रोटियां फूल रही हमारी। साथ के साथ मैं घी भी लगाती जाती हूँ रोटी में, रोटी ठंडी हो जाती है तो घी अच्छे से नहीं लगता है, इसलिए रोटी में घी लगाती जाती हूँ तुरंत। तो यहाँ पे देखिए हमारी रोटी बन चुकी थी, तो मैंने इकट्ठे जितनी रोटी थी सारी रोटियों में घी लगा दिया है। हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके थे, तो यहाँ पर मैं सब्जी रखी थी कढ़ाई में, तो मैंने सोचा भगोने में सब्जी निकाल दूँ। तो ये देखिए भगोनी में सब्जी निकाल रही हूँ, साथ के साथ बर्तन भी लगाती जा रही। फिर मैंने सोचा सब्जी ढक दूँ पहले, अब सारा समेटेंगे, क्योंकि अभी क्या अभी हमारी गैस साफ़ नहीं हुई है। तो देखिए अब अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और फिर इसके बाद आराम करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद तो थोड़ा आराम चाहिए है। तो देखिए ये डिब्बे घी के हैं, तो ये थोड़े से ऊपर से गंदे हो जाते हैं ना, आटा वगैरह लग जाता है, तो मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं गैस को साफ़ कर दूँगी, थोड़ा सा साबुन लगाऊँगी इसमें, और अच्छे से हमारी गैस साफ़ हो जाएगी। ये देखिए हमारी गैस साफ़ हो चुकी थी, अब और शवल रह गए थे, तो मैंने सोचा चलिए धो दूँ इनको।
तो यहाँ पर देखिए मैं धोने लगी थी और सारे बर्तन भी धो दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं शाम को उस पर दिक्कत होने लगती है, इसलिए खाना खा के जल्दी बर्तन भी धो दूँगी। तो यहाँ पे हो चुकी थी शाम, तो शाम को मैं झाड़ू लगा रही थी, तो देखिए मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था, फिर मैंने सोचा जल्दी झाड़ू लगा दूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू लगा रही थी मैं। और फिर बनाऊँगी चाय, क्योंकि शाम हो चुकी है, सो लेते हैं तो चाय की ज़रूरत भी लगती है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी, तैयार हो लिया था मैंने, तो यहाँ पर देखिए अब बनाऊँगी चाय बढ़िया टेस्टी टेस्टी। और मेरे स्वामी जी भी आ चुके थे, मैं चाय में पानी नहीं डालती हूँ, दूध में ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि पानी डली चाय अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाय बढ़िया बन रही है, क्योंकि गाढ़ी चाय हम लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाय बन चुकी है, आइए आप लोग भी पी लीजिए। तो ये देखिए चाय पी के हम लोग अब शाम थोड़ी देर बैठे थे, फिर आ गई थी लंच की तैयारी करने, तो बच्चे बोले मम्मी कुछ मत बनाओ, सुबह बहुत हो गया था, तो मुझे तो केवल खिचड़ी बना दो। तो मैंने बोला ठीक है बच्चों, खिचड़ी बना दे रहा है। तो साथ में बिटिया भी तैयारी करवा रही थी कि ला मम्मी मैं मदद कर दूँ, नीचे से सामान निकाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल ली है, मूंग की दाल ली और राजमा की दाल ली और थोड़ी सी तुअर दाल ली और चावल लिए। तो देखिए इन सबको अच्छे से धो दूँगी और थोड़ा सा पानी भर के फूलने के लिए रख दूँगी चावल, अच्छे फूल जाते हैं चावल। तो यहाँ पर देखिए अब सब्जियाँ लाई थी मैं खिचड़ी में डालने के लिए, तो ये बीन्स लाई थी, हरी मिर्ची, आलू और मटर और शिमला मिर्ची। तो इन सबको अच्छे से काट लेंगे। और देखिए बिटिया पानी भर रही है आरओ में से, तो मैंने बोला कि बिट्टू पहले गर्म होने के लिए रख दो पानी, क्योंकि गर्म पानी डालते हैं ना खिचड़ी में तो अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए गर्म पानी हो रहा था, यहाँ पर तैयारी करने लगी मैं खिचड़ी की। तो ये देखिए मैंने जीरा डाल दिया, राई डाल दी, हरी मिर्ची भी डाल देंगे और यहाँ पे शिमला मिर्ची और बीन्स डाल दिए थे मैंने। तो देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक रही है, आलू डाल दिए, मटर डाल दी और टमाटर भी डाल दिए। अब थोड़े से मसाले मिला देंगे, बेसिक मसाले हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो ये चावल और दाल डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं हमारी सब्जियाँ और चावल, अब इसमें पानी डाल देंगे अपने अनुसार। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, अब ढक के पकाएंगे। और यहाँ पर मैं जो सामान फैल गया था तो वो सामान फिर से जमाने लगी थी, क्योंकि ज़्यादा फैल जाता है ना तो जमाने में फिर दिक्कत होती है। तो ये दूध के पैकेट रखे थे तो मैंने सोचा इनको उबाल दूँ दूध को। तो देखिए इनको पलटा लेंगे भगोने में, उबलने के लिए दूध रख देंगे। तो खिचड़ी के बन साथ साथ में हमारा दूध भी उबल जाएगा, बार बार किचन में नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गैस भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि गंदा तो होना नहीं है अभी, तो इसलिए मैं साफ़ भी कर देती हूँ। तो ये देखिए सामान सबरा समेट देंगे, ये इधर का सब्जियों का थोड़े से बर्तन थे तो इनको भी साफ करके रख दूंगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग चैनल पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी किचन भी साफ़ हो चुकी थी और ये हमारी खिचड़ी भी बन चुकी थी। तो देखिए ये मैंने बिल्कुल पतली खिचड़ी बनाई है, ये देखिए बन चुकी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए हमारी किचन भी साफ़ हो चुकी थी। ये वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी अगले वीडियो में।